हेलो अस्सलाम वालेकुम सो जो लास्ट लेक्चर था हमने कुछ स्टडी किया था लास्ट बार कुछ बेसिक कंपोनेंट्स थे जिसके बारे में हमने स्टडी किया था थोड़ा जस्ट थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव uh, हो जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएं कि आवाज आपके पास जो है मेरा बिल्कुल क्लियर है हेलो क्लियर है ओके okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ऐसी क्यूरी हो है uh, जो लास्ट लेक्चर में आपको समझ में ना आई हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जी ऐसी कोई क्यूरी है दो सर ओके okay. सो so, uh, मैं जस्ट हम ओपन कर लेते हैं तो so, फर्स्ट हमने लाजमन आई टी के बारे में बात की थी

तो मैंने दो टर्म्स यूज किए एक टर्म था कंपाइलर दूसरा था हमारे पास इंटरप्रेटर ठीक है ना इंटरप्रेटर बेस्ड भी होती है, है। फर्क क्या है कि कंपाइलर क्या करता है होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मींस ट्रांसलेट करता है और इंटरप्रेटर क्या करता है लाइन बाय लाइन उसको ट्रांसलेट करता है बेसिकली तो ये दोनों में फर्क है तो हमने बात की थी कि कंपाइलर है आपके पास ठीक है और दूसरा मैंने आपको कहा था इंटरप्रेटर है क्लियर होगी बात तो ये हमने थोड़े तो डिस्कस की ठीक तो है, है फिर हमने कहा था डेटा के फॉर्म्स होते हैं, तो वहां से हमने डेटा टाइप को स्टडी किया भाई डेटा टाइप क्या है कल के लेक्चर में तो उसकी मजीद हमने बात की डेटा टाइप के भाई डेटा टाइप बहुत टाइप्स है डेटा के ठीक है नंबर फॉर्म में हो सकता है डेटा मीनस इंटीजर फॉर्म में हो सकता है होल में हो सकता है ठीक है वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं भी हो सकते हैं फिर मैंने कहा फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं ठीक है जिसमें आपके पास फ्रैक्शनल नंबर होता है जिसको आप डेसिमल नंबर कहते हैं जिसमें डॉट आप यूज करते हैं थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट सिक्स इस तरह के नंबर होते हैं जिसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहा जाता है उसके बाद मैंने बात की कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं आपके पास ठीक है जो आप आप पार्ट होता है लाइक लाइक प्लस फॉर एग्जांपल आई या टू जे मैंने लिखा तो इसको आप में लिखेंगे तो थ्री का टू लिखते हैं हम मैथमेटिक्स में तो इनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है तो एक टाइप ये भी यहाँ पे अवेलेबल है कॉम्प्लेक्स टाइप के इंटीजर हो गया फ्लोट हो गया कॉम्प्लेक्स टाइप हो गई आपके पास उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है आपके पास ठीक है कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स होते हैं उसको स्ट्रिंग कहा जाता है उसके बाद हमने कहा कि लिस्ट लिस्ट डेटा टाइप है 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 जिसमें कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं वो म्यूटेबल होती ठीक ठीक एंड ऑर्डर है उसके बाद सेट की बात की भाई सेट भी एक डेटा टाइप है आपके पास उसके बाद टपल की बात की मैंने डिक्शनरी की बात की होगी बुलियन डेटा टाइप की बात की होगी ठीक है ना और भी बहुत सारी डेटा टाइप्स हो सक जाती है ठीक है अब कुछ डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स हैं जो बिल्ट इन है जो पहले से बनी हुई है जैसे आप लिस्ट देख रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप देख रहे हैं डबल फ्लोट देख रहे हैं ठीक है बुलियन देख रहे हैं तो ऐसी डेटा टाइप्स को बिल्ट इन डेटा टाइप्स कहा जाता है जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कहलाती है इन ठीक है टाइप्स ठीक है नजर कहालाती अब जो अभी आप डेटा टाइप आप स्टडी कर रहे हैं या और भी मजीद ऐसी डेटा टाइप्स आगे आएंगी जो आप बिल्ट इन डेटा टाइप्स कहलाती हैं ठीक है जो पहले से आपके पास बनी हुई आपको बना कर दी गई हैं ठीक है थीके? दूसरी डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स है जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएंगे ठीक है जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास बनाएंगे तो उसके जरिए आप अपनी डेटा टाइप्स क्रिएट करते हैं ठीक है आप अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं बेसिकली पे, पे प्रोग्रामिंग के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको हमने कंसिडर किया है एज अ ऑब्जेक्ट ठीक है ईच एंड एवरी थिंग इसका ऑब्जेक्ट तो उस वक्त आप उस ऑब्जेक्ट को जब डिफाइन करेंगे जो यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट होगा जो इस लाइब्रेरीज का पार्ट नहीं होगा ठीक है ना तो उन डेटा टाइप्स को हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कहते हैं जब आप ये का एक दो सेशन होगा तो वहां पे आपको कांसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा तो मैंने कहा दो किस्म की डेटा टाइप्स है, है और यूजर डिफाइंड जो कल हमने स्टडी की थी डेटा टाइप वो सारी की सारी बिल्ट इन डेटा टाइप्स है ठीक है ना और भी बहुत सारी बिल्ट इन डेटा टाइप्स है ठीक होगा ये कुछ डेटा है उसके बाद हमने एक टर्म स्टडी किया था जिसका नाम था वेरिएबल ठीक है हमने वेरिएबल की बात की थी तो वेरिएबल बेसिकली क्या है, कोई बड़ी नहीं है, ठीक है? एक सी है किस किस फॉर्म में हो सकता है डेटा नंबर में हो सकता है डेटा आपके पास इमेज में हो सकता है डेटा वीडियो फॉर्म में हो सकता है किसी भी फॉर्म में डेटा हो सकता है डेटा किसी लिस्ट फॉर्म में हो सकता है ठीक हो क्या तो मीस किसी भी फॉर्म में डेटा हो सकता है उस डेटा के आपके पास वेरिएबल बन सकते हैं आप उसके वेरिएबल बना सकते हैं ठीक हो गया तो फॉर एग्जाम्पल पाइथन स्क्रिप्टर में ओपन करके थोड़ा तो इसको पहले क्लियर कर दू उसके बाद हम आगे मूव होते ओके okay. सो so, मैंने कहा कि सेंटेक्स है वेरिएबल का क्योंकि यहां पर डायरेक्ट कमांड नहीं है ठीक है बाकी लैंग्वेजेस के अंदर कमांड होती है वेरिएबल की बट यहाँ पे आपके पास कमांड नहीं है आप वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करेंगे उसको उसी वक्त ही कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देंगे आप आप रन टाइम पे भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं ठीक है और कांस्टेंट वैल्यू भी आप इसको दे सकते हैं ठीक होगा फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने नम रखा है मैंने नम को दिया है यहाँ पे टू थ्री तो मैं कह सकता हूं नम इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर हैविंग वैल्यू वैल्यू इसकी जो है ट्वेंटी थ्री ये जो ऑपरेटर है ये बेसिकली असाइन ऑपरेटर है ठीक है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो दरमियान में काम कर रहा है आपके पास जो वैल्यू को असाइन करवा रहा है ठीक है इसी तरह फ्लोटिंग नंबर का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं ठीक है और यही आप ठीक गया ओके सो अब ये जो इनपुट हमने दिया है ये तो एक कांस्टेंट इनपुट दिया है मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नाम ठीक है की है। आपने की की है। की दो चीजें होती हैं एक वैल्यू है आपके पास दूसरी उसकी एड्रेस है जो मेमोरी एड्रेस कहलाती है ठीक है बैकहेंड में बे क्या हो रहा है किस्म का कंटेनर बन रहा है ठीक है उस कंटेनर के अंदर वैल्यू भी है जो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ थोड़ा सा ठीक है में मैं इसको एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लाइक like ठीक है मैंने कहा कि भाई ये किस्म का हमने मेमोरी अलोकेट किया है ठीक है ठीक हो गया मैंने कहा इसकी भाई वैल्यू जो है ये टेक्स वैल्यू ट्वेंटी थ्री है ट्वेंटी थ्री लाइक डेट अब ये इसकी वैल्यू है ठीक है दूसरी इसकी लाज कोई कोई एडेस होगी ठीक है जो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अप right है फॉर एग्जाम्पल ठीक है कोई भी नंबर हो सकता है ये इसकी मेमोरी एड्रेस है ठीक है तीसरा इसका नेम होता है ठीक है ठीक है इस वेरिएबल का मैं नाम रख रहा हूँ ठीक है मैंने इसका नाम रखा है नम तो ये जो नम है ये इसका नेम है वेरिएबल का ये इसकी एड्रेस है और ये इसकी वैल्यू है इस वक्त आप जो नम को डायरेक्टली प्रिंट करेंगे तो ये आपको एक किस्म की एक वैल्यू आपको प्रिंट करेगा ठीक है जो आपको चाहिए इसकी एड्रेस तो एड्रेस के लिए इसका एक इन फंक्शन है जो पहले से बना हुआ है जिस फंक्शन का नाम है आई जस्ट आई ठीक है आई ये फंक्शन है ठीक है ये फंक्शन लाजमन आपसे किसकी आईडी चाहिए आपको आप जो भी वेरिएबल उसको देंगे उसकी आईडी आपको ये बता देगा मैंने कहा मुझे नम की आईडी चाहिए ठीक है अब ये आईडी कंप्यूटर तो हो गई लाजमन मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो मैं इसको रन कर रहा हूँ तो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगी बाई डिफाल्टी ये FC तो ट्वेंटी थ्री आपके पास प्रिंट हो होगा बट स्क्रीन के ऊपर ये प्रिंट नहीं हो रही है तो आप इसको प्रिंट करेंगे ठीक है लाइक टाइट तो ये प्रिंट का फंक्शन हमने यूज किया है अब ये प्रिंट का भी फंक्शन है ठीक है ना प्रिंट के इनसाइड आईडी के फंक्शन को कॉल किया है तो इसने आपको आईडी फाइंड करके आपको दे देगा ठीक है तो अब आपके पास ये एड्रेस भी प्रिंट हो गई ठीक है स्टूडेंट है जस्ट मिनट में एक ठीक हो गया सो प्रिंट नम प्रिंट आईडी नम

कन्वर्ट कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्लास में जब नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो उस वक्त करेंगे ठीक ठीक हो गया अब ये जो हमने दिए दिए नंबर फॉर्म में है दूसरी डेटा आप किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में इस तरह भी वेरिएबल बना सकते हैं एफ नंबर का नाम रख रहा हूँ मैं तो ये फ्लोटिंग नंबर का है इसमें आप देख रहे हैं डबल कोटेशन में यूज नहीं कर रहा हूँ नई नंबर के मैंने जब होल नंबर दिया तो इस वक्त फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है जब एफ नंबर दिया तब भी फ्लोटिंग डबल uh, कोटेशन नहीं है इसी तरह मैं कोई स्ट्रिंग का कोई वैल्यू एस में डिक्लेयर कर रहा हूँ तो या तो आप टाइप की कोई वैल्यू आप चेक करना चाह रहे हैं तो मैंने कहा इक्वल फॉर एग्जाम्पल ट्यू लाइक है तो इसकी वैल्यू या ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स ये एक टाइप है जिसकी सिर्फ दो वैल्यू है क्या ट्रू होगा या फॉल्स होगा इसके अलावा कुछ भी इसके पास नहीं है क्लियर हो गई बात आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी तो हम नेक्स्ट ऑपरेटर्स के ऊपर मूव हो रहे हैं कि ऑपरेटर्स के टॉपिक है हमारा नेक्स्ट तो ओके okay. सो so, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ऑपरेटर्स के, के बेस पे है नहीं पता नहीं क्या तो नहीं ओके, <laughs> तो okay. so, ये लास्ट का लेक्चर था डे टू का जिसमें हमने डेटा टाइप्स को स्टडी किया था न्यूमेरिक टाइप थी आपके पास इंटीजर हो गई फ्लोट हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई सीक्वेंस टाइप थे लिस्ट से टपल से रेंज का फंक्शन है एक ठीक है ये भी बिल्ट इन फंक्शन है बेसिकली सीक्वेंस टाइप में हमने स्ट्रिंग की बात की थी टाइप के अंदर डिक्शनरी की बात की है सेट टाइप के अंदर सेट है है, बाइनरी टाइप है आपके पास फिर आपके पास एक जनरल टाइप है जिसको नन टाइप कहा जाता है जिस value, कोई भी नहीं होती, तो आप उसको बेसिकली so, uh, ऑपरेटर्स है? है क्या ऑपरेटर्स आप मैथमेटिक्स में पढ़ते आए वही ऑपरेटर्स है, है यहाँ पे भी ऑलमोस्ट तो उनको यूज करने का तरीके का देख लेते हैं

तो पहला टर्म जो अर्थमेटिक के अंदर लिखा हुआ है वो एडिशन है ठीक है मैंने बताया था आपके पास तीन कैटेगरी के ऑपरेटर्स हो सकते हैं यूनरी ऑपरेटर्स हो सकते हैं बाइनरी ऑपरेटर हो सकते हैं और टर्नरी ऑपरेटर्स हो सकते हैं ठीक है जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं उसके लिए जो ऑपरेंड्स होता है जो इनपुट होता है वो सिंगल वैल्यू होती है वन ऑप्रेंड होता है ठीक है ना एक होता है मीन्स एक इनपुट होता है इसी तरह बाइनरी ऑपरेटर के लिए कम अज कम आपके पास एटलीस्ट टू इनपुट्स होने चाहिए मीन्स टू ऑपरेंट्स होने चाहिए इसी तरह पैनल के लिए तीन या तीन से ज्यादा होने चाहिए तो पहला ऑपरेटर एडिशन का है जगह मैं एडिशन की बात कर रहा हूं तो मैथमेटिक्स में एडिशन क्या करता है दो नंबर्स को आपस में ऐड करता है ऐसे ही है प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही करता है बिल्कुल ठीक है ये दो नंबर्स को आपस में ऐड करता है ठीक हो गया ये जो प्लस ऑपरेटर है बेसिकली इसको ज्वाइन ऑपरेटर कहा जाता है एडिशन कहते हैं ज्वाइन को कॉन्केट concate को कॉन्केटिनेशन ठीक है अपेंड करना दो तो चीजों को आपस में अपेंड करना ज्वाइन करना कॉन्केट करना ठीक है तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो मैं लिखता हूँ जो आपसे मैं जनरल पूछ लेता हूँ के आई वॉन्ट एड मोहम्मद प्लस असद वट विल बी द आउटपुट तो आउटपुट क्या होना चाहिए जी मोहम्मद प्लस असद जी आउटपुट क्या आना चाहिए ठीक है ना ह्यूमन से पूछा जाए मोहम्मद प्लस असद तो ह्यूमन क्या ट्रीट करता है इसको जी हेलो सर मोहम्मद असद आएगा ना क्योंकि प्लस मु... होगा मोहम्मद जी बिल्कुल मोहम्मद असद आएगा तो प्लस ऑपरेटर ने किया, किया, क्या किया ह्यूमन क्या सजेस्ट कर रहा है कि ह्यूमन कह रहा है कि भाई मोहम्मद असद आना चाहिए दोनों आपस में ज्वाइन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द्यूमन इंटेलिजेंसी ठीक है ना तो मशीन को भी हमने ऐसे ही समझाया है कि भाई दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में ऐड करेंगे तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे वो दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं दो नंबर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जी मैं दो नंबर्स को ऐड करता हूं क्योंकि नंबर्स आप पहले से पढ़ चुके हैं लाइक दैट जब मैं इस तरह ऐड कर रहा हूँ तो लाजमी ये दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं जोर हो रहे ऐड हो रहे, एड़ रहे हो रही है बेसिकली एंड 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 इज थर्टी फाइव है है ठीक है तो मीस प्लस ऑपरेटर का काम का क्या है दो चीजों को आपस में ज्वाइन करना ये दो स्ट्रिंग्स है तो दोनों स्ट्रिंग्स ज्वाइन हो जाएंगे दोनों स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट हो एक ऑब्जेक्ट आपके स्ट्रिंग आ जाएगा ठीक है ये आपके पास नंबर है इंटीजर में भी हो सकता है फ्लोटिंग में भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है ठीक है बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होते है, हैं ऑब्जेक्ट के दो चीजें होती एक नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होती है और दूसरे उसके बाद है, है कहते हैं ठीक है तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसके नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आपस में एड हो जाती है ठीक है आगे चल के ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे तो उस वक्त भी ये प्लस ऑपरेटर हम यूज करेंगे कि किस तरह प्लस ऑपरेटर काम करता है तो इस वक्त मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि प्लस ऑपरेटर के इस वक्त मैंने कहा दो काम है दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं ठीक है वो दो स्ट्रिंग भी हो सकती है कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ठीक होगा या दो नंबर्स को आपस में एड है ठीक है ये नंबर होंगे तो आपस में जो एड कर देगा सिमिलर में टू प्लस फाइव वट विल बी दउटपुट नाउ अब क्या होगा आउटपुट जी वेरी सेवन ओके सो इसका जो आउटपुट होगा फोर ट्वेंटी फाइव होगा ठीक ओ ये तो स्ट्रिंग है ना तो एज इट इज प्रिंट होगा ना जी बिल्कुल आपस में ज्वाइन हो जाएंगे कॉन्केट हो जाएंगे दोनों दोनों स्ट्रिंग है टू भी स्ट्रिंग है और फाइव भी स्ट्रिंग है ठीक है इस वक्त यहाँ पे ये दोनों नंबर थे जिनको हमने नंबर्स कहा है ठीक है आप दोनों नंबर्स को एड करें आपस में तो आपके पास थर्टी फाइव रहा है जब आप दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करेंगे तो वो दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगी कान हो जाएंगी ठीक है तो बन जाएगा आपके पास ट्वेंटी फाइव ठीक है तो जब आप स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करेंगे लाइक दैट यहाँ पे भी दो स्ट्रिंग थी आपके पास मोहम्मद और असद दोनों स्ट्रिंग्स है आप इसको डबल कोटेशन ही दे दे Like that. मैंने डबल कोटेशन ही यूज किया हुआ है तो ये string है आपके पास तो आउटपुट भी आपको इस string ही मिलेगा ठीक है ना? या हो जाएगा, हो तो इसी तरह यहाँ पे हमने दो बन रहा है वो ट्वेंटी फाइव एज स्ट्रिंग में ही बन रहा है ठीक है ना? यहाँ पे आप दो नंबर को आपस में एड करें ट्वेंटी थ्री ट्वेल्व तो इस वक्त आपके पास थर्टी फाइव दोनों को एड करके वो आपको बना रहा है तो यहाँ पे है यहाँ पे आपके पास क्या कर रहा है एडिशन कर रहा है मैथमेटिक्स वाली ठीक हो गया तो प्लस ऑपरेटर का बेसिकली काम क्या होता है कांकेट करना 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 या करना। जे होंगे होंगे इंटीजर टाइप के होंगे, तो दोनों को आपस में एड कर देगा जे फ्लोटिंग पॉइंट के होंगे तो आपस में एड कर देगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तब भी वो आपस में उनको एड करेगा ठीक है जे ए, स्ट्रिंग है तो उनको आपस में क्या कर देगा ज्वाइन कर देगा क्लियर है यहाँ तक बात जी यहाँ तक कोई क्यूरी हो प्लस ऑपरेटर के वाले से जी, जी, हम जब प्लस ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए तो आपने कहा फॉर एग्जाम्पल एक नेम हमने डिक्लेयर किया जिसका नाम रखा है एस या एफ नेम रखा एफ नेम हमने कहा कि ये मोहम्मद है फॉर एग्जाम्पल एंड लास्ट नेम मैंने कहा लास्ट नेम या मिडिल नेम कहा वो हमारे पास क्या है जिसका नाम हमने रखा असद ठीक है तो हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए एक का नाम एफ एन रखा एक फर्स्ट नेम रखा हुआ है और दूसरे का नाम हमने वेरिएबल का क्या रखा हुआ है मिडिल नेम रखा हुआ है ठीक है दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं बेसिकली आप क्लास फीस इसका फाइंड कर सकते हैं दोनों स्ट्रिंग टाइप दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं आप, आपने आपने कहा कहा एफ एफ नेम एफ नेम नेम ये ये आपके आपके पास पास है प्लस एम तो ठीक हो, हो गया अब लाजम हमने ज्वाइन तो किया इनको किसी स्क्रीन के ऊपर हमने प्रिंट नहीं करवाया स्क्रीन में प्रिंट करवाने के लिए आपको प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा ये प्रिंट फंक्शन है आपके पास जो स्क्रीन के ऊपर आपको राइट करके दे देगा ठीक हो गया तो यू सी यूसीज मोहम्मद असद ठीक है दोनों के दरमियान कोई भी स्पेस नहीं है तो उसने स्पेस भी नहीं दिया आप हैं के नहीं, भी होना चाहिए, तो एक और भी तरीके का ठीक है तो इस तरह भी आप कर सकते हैं तो मोहम्मद असद ठीक है तो ये भी करेक्टर है ये भी एज ए करेक्टर टाइप है आपके पास स्पेस तो ये भी स्पेस आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हो रही है। सिमिलर है कोई वैल्यू आप देते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा फर्स्ट वैल्यू है मेरे पास जो मैंने कहा या फर्स्ट नंबर है टेन है और सेकंड वैल्यू है आपके पास फॉर एग्जांपल ट्वेंटी है ठीक है और आप इनको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो जस्ट एफ वैल्यू प्लस एस वैल्यू है आपके पास या आपसी तो आउटपुट इसे थर्टी ठीक हो गया आप अपना फॉर्मेट भी बना सकते हैं ठीक है आप ये चाहते हैं कि पहली वैल्यू और सेकंड वैल्यू दोनों यहाँ पे प्रिंट हो जाए आप ये चाहते हैं कि नहीं इस तरह होना चाहिए प्रिंट टेन प्लस ट्वेंटी फिर ये ऑपरेट इक्वल हो फिर थर्टी आए तो इस तरह भी आप फॉर्मेट बना सकते हैं ठीक है जब इस तरह का फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं इसके अंदर तो ये फॉर्मेट तो किसका है ये तो आपको थर्टी दे रहा है दोनों आपस में एड करके तो मैंने कहा काम ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट हम दे सकते हैं ना तो ये जो वैल्यू है 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 वो किस में पड़ी हुई एफ वैल्यू में तो मैंने कहा वैल्यू वैल्यू पे राइट कर रहे हैं ठीक है फिर मैंने कहा कि भाई या तो मैं प्लस ऑपरेटर यूज कर लू या तो मैं कामा लगा के इसको डबल कोटेशन में प्लस दे दू लाइक दैट कि प्लस प्रिंट हो जाए मैं अपना एक फॉर्मेट बना रहा हूँ ठीक होगा तो फिर मैंने कहा कि भाई वैल्यू आपके पास एस वैल्यू दे दू ठीक है ये जस्ट एक फॉर्मेट है इसकी जरूरत नहीं है वैसे कोई खास आप बनाना चाहें तो ठीक है नहीं तो कोई मसला नहीं है आगे चल के आपको ये खुद ही समझ आ जाएगा ठीक है अब क्या हुआ इफ वैल्यू स्क्रीन प्रिंट होगी टेन फिर प्लस ऑपरेटर आ जाएगा उसके साथ फिर एस वैल्यू एस वैल्यू आपके पास क्या है ट्वेंटी तो ट्वेंटी प्रिंट हो जाएगा फिर इक्वल ऑपरेटर प्रिंट होगा फिर यहाँ पे लिखा है एफ वैल्यू प्लस एस वैल्यू तो दोनों को एड करके आपको प्रिंट करके दे देगा जो फॉर्मेट हम चाह रहे तो इफ प्रिंट तो प्रिंटी तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है टेन प्लस ट्वेंटी तो मीन्स फॉर्मेट आप किसी तरह भी जैसे भी आप बनाना चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इजिली बना सकते हैं उसमें कोई इशू नहीं है ठीक है इसी तरह आपने एज अ स्ट्रिंग को इसको लिया है कि भाई स्ट्रिंग टाइप का है तो आप स्ट्रिंग टाइप का भी इस तरह इसको बना सकते हैं कि भाई ये एज अ स्ट्रिंग हो गए आप ठीक है इसका आउटपुट होगा टेन ट्वेंटी ठीक हो गया, तो से क्लियर है है कि भी और ट्वेंटी भी आपके पास एज ए स्ट्रिंग है ठीक हो गया। तो इसके अलावा आपने कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टडी किए होंगे ठीक है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं ठीक है तो यहीं पे हम बना लेते हैं इसी को मैं रिमूव कर लेता हूँ मैं कहता तो हूँ एक नंबर है आपके पास फॉर एग्जाम्पल वन उसका नाम रखा रहा हूं मैं और मैं इसको कह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स ठीक है ये कॉम्प्लेक्स क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द रियल पार्ट एंड ऑप्शनल इमेजिनरी पार्ट ठीक है ऑप्शनल होता है इमेजिनरी पार्ट आप देना चाहें तो ठीक है नहीं देना चाहे तब भी कोई बात नहीं है तो किस तरह आप लिखते हैं मैं लिख रहा हूँ थ्री कावा फोर फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर है तो थ्री कावा फोर को आप लिखना चाहें तो आप लिखते हैं थ्री प्लस फोर जे ठीक yes. है ना तो आपने मैथमेटिक्स में कभी स्टडी किया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर उसके दो पार्ट्स होते हैं एक इमेजिनरी पार्ट होता है दूसरा रियल पार्ट होता है रियल पार्ट आपके पास रियल नंबर थ्री है और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है फोर जे है इसी तरह मैंने कहा एक और नंबर होना चाहिए नम टू मैंने कहा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हम्म हम्म ओके ओके किसकी बात कर रहे थे ओके कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे थे राइट द कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल आई राइट हियर द फाइव ठीक है तो आप फोर का भी लिख सकते हैं लाइक दी प्लस ठीक है अब आप इन दोनों को आपस में ऐड करना चाह रहे हैं तो सिमिलर जैसे आप मैथमेटिक्स में पहले ऐड करते थे नंबर वन प्लस नंबर टू तो इनको भी आप इसी तरह ही ऐड करेंगे one, one two, है? आप स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो यू on है तो यू सी ये आउटपुट इज सेवन प्लस नाइन जी रियल पार्ट को रियल पार्ट में एड कर दिया इमेजिनरी को इमेजिनरी के अंदर अब आपके ऊपर आप है कौन सा फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं किस फॉर्मेट में आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं इट डिपेंड्स अपॉन यू ठीक है आप फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं तो वेल नहीं बनाना चाह रहे तब भी ना करें वैसे ही लिखना चाह रहे हैं तो बेशक लिख लें ठीक है समेशन ऑफ टू या समेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है ना आप लिख सकते हैं ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर

फिर मैंने कहा कि भाई ठीक फिर मुझे दूसरा नंबर चाहिए मैंने कहा नंबर टू है ठीक है, है फिर मैंने कहा इसके साथ एक बार दोबारा इक्वल ऑपरेटर आना चाहिए ठीक है तो मैंने कहा भाई ये प्लस ऑपरेटर का इक्वल दे दो ठीक है लाइक दैट फिर यहां पे भी इसको दे रहा हूँ तो मैंने ये फॉर्मेट बना दिया आगे एक मैसेज लिख दिया समेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर उसके बाद मैंने कहा नम वन एंड नंबर टू नम वन प्लस नम टू ठीक है या सिर्फ लिखता के you, है number, 3 4 7 तो आप किस तरह भी प्रिंट करवाना चाहें इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं आपको सिर्फ पता होना चाहिए प्रिंट फंक्शन को यूज किस तरह करना है ठीक होगा तो कांसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए प्रिंट फंक्शन के हवाले से कि प्रिंट किस तरह करते हैं किस तरह डेटा आप जब भी जब प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन के ऊपर तो किस तरह करते हैं ठीक हो गया जी मलिक आ, सर इतना इस स्टेटमेंट को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों किया गया है पहले आपने सिंपल मेथड बताया था तो अब आपने एक लॉन्ग से स्टेटमेंट बना दी है मतलब तो जैसे-जैसे आगे चलते जाएंगे तो लास्ट में

तो लाजम कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होती है बहुत सारी ऑपरेशंस परफॉर्म होती है वो तो हम यहाँ पे परफॉर्म नहीं करें हम जस्ट यहाँ पे सीखने की कोशिश करें। एक तो प्लस ऑपरेटर को हम अंडरस्टैंड uh, करने की कोशिश करें भाई प्लस किस तरह काम है। दूसरा उसके साथ साथ क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट को मैं यूज कर रहा हूँ फंक्शन को तो मैं चाह रहा हूँ कि प्रिंट के साथ भी फेमिलियर हो जाए कि प्रिंट किस तरह वर्क करता है जी आप कोई कस्टम प्रिंटिंग का फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली बस जस्ट उसका आउटपुट शो जैसे मैंने पहले किए थे एक दो क्लास के अंदर तो मैं अब चाह रहा हूँ कि नहीं आप एक फॉर्मेट के हिसाब से लिखे भाई समेन आप टू नंबर है नम वन है नम टू है विच इज इक्वल दिस ठीक है ना आगे चल के बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनको आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा ठीक है तो आपको आइडिया थोड़ा क्लियर होगा तो आप इजिली मैं समझता हूँ बना लेंगे फिर ठीक okay, सो okay, uh, okay, ना okay. होता है हमने प्लस ऑपरेटर को देखा कि प्लस ऑपरेटर किस तरह वर्क करता है बेसिकली प्लस ऑपरेटर दो चीजों को आपस में कॉन्केट करता है वो दो नंबर्स भी हो सकते हैं दो स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं ठीक है, है ना दो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं ठीक है, है? यहाँ पे जितनी भी चीजें इंटीजर भी एज ऑब्जेक्ट है आपके पास ठीक है स्ट्रिंग भी एज ऑब्जेक्ट है हर चीज आपके पास एज ए ऑब्जेक्ट है कल आप कोई भी यूजर डिफाइन चीज बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज उसके मेथड्स हम डिफाइन करेंगे जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करेंगे क्लियर हो गई बात क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे टाइम यूज हो रहा है कहीं पे भी आप स्टडी करेंगे तो ऑब्जेक्ट टर्म वहाँ पे यूज हो रहा यूज होगा उसमें ऑब्जेक्ट को थोड़ा क्लियर करता जा रहा हूँ ओके सो फर्स्ट ऑपरेटर था हमारे पास क्योंकि ये मैथमेटिक्स का ऑपरेटर 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 था प्लस प्लस की बात कर रहे थे कि किस तरह काम करता है तो इसके दो ही काम थे कॉन्केट करना या दो नंबर को आपस में एड करना या दो ऑब्जेक्ट को आपस में एड करना इसके बाद आपके पास सब्टशन ऑपरेटर है जिस तरह मैथमेटिक्स में सब काम करता है इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी सब काम करता है इसके लिए ये बाइनरी ऑपरेटर है ठीक है ना जमेंट्स के ऊपर काम करेगा का, टू इनपुट्स के ऊपर काम करेगा का, एटलीस्ट टू इनपुट्स होने चाहिए ठीक है कम अज कम तो जिस तरह काम करता है मैं जस्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्योंकि इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है बट मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ ठीक है आई राइट या मैं इसको रिजल्ट एक बेरेबुल बना रहा हूँ आप बना सकते हैं ठीक है बनाना चाहें तो ठीक है नहीं बनाना चाहे तो आपकी अपनी मर्जी है कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है ठीक है लाइक प्रिंट रिजल्ट ठीक है पहले हम क्या कर रहे थे नम नम प्लस को डायरेक्टली प्रिंट कर रहे थे ठीक है ना अब हमने एक और मेमोरी डिक्लेयर की जिसका नाम हमने रिजल्ट रखा हुआ है 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 एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर इन दोनों को uh, करके रखा हुआ ठीक नम नम माइनस पहले मैंने क्या किया था डायरेक्टली प्रिंट कर रहा था रिजल्ट वेरिएबल नहीं बना रहा था आप रिजल्ट वेरिएबल बनाए ठीक है नहीं बना रहे डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है ठीक है डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर इस वक्त हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे भी बना सकता हूँ वैसे भी बना सकते हैं कोई इसमें नहीं है तो आपके पास यहाँ पेन है अब आप इस फॉर्मेट को किस तरह बनाते हैं है? आप लिखना चाह रहे हैं ट्वेंटी माइनस थर्टी इक्वल टू माइनस टेन इट्स होगा तो मैं इसको मजीद एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ सबसेक्शन को सिमिलर में आप मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर आपके पास लाजमत दो चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करता है ठीक है तो सिमिलर uh, वे है आप मल्टीपिकेशन ऑपरेटर इस तरह यूज कर सकते हैं लाइक like टेयर जैसे आप मैथमेटिक्स में यूज करते हैं ऐसे ही यहाँ पे स्टेरिक ऑपरेटर होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं तो नम वन को नम नंबर के साथ क्या करते मल्टीप्लाई तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर सकते हैं किसी को भी आपको मल्टीप्लाई करना चाहे सब करना चाहे या दो मेट्रिक्स होंगे तो उनको भी आप, आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं मेट्रिक्स भी यहाँ पे बना सकते हैं जो मैथमेटिक्स में आप यूज करते आए हैं ठीक होगा सिक्स तो इसी तरह डिजन ऑपरेटर है अब यहाँ पे तीन ऑपरेटर्स हैं डिवीजन है फ्लोर डिवीजन है, है और मॉड्यूलस है ठीक है तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दू तो डिवीजन ऑपरेटर आप डिवीजन करते हैं किसी भी नंबर को दूसरे नंबर के साथ ठीक है जैसे डिवीजन करते हैं वैसे ही डिवीजन करते हैं ठीक है थीके? मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर हम यूज कर लेते हैं नम वन को डिवाइडेड करते हैं नम टू के साथ नम टू नम वन की वैल्यू क्या है आपके पास ट्वेंटी है और नम टू की वैल्यू आपके पास थर्टी है तो one, लिखेंगे, आप कहते नहीं हम इसको में लिखना चाह रहे हैं साथ करते हैं डिविजन ट्वेंटी डिवीजन ऑफ थर्टीन ठीक है ना तो लास्ट में कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो आपके पास फ्लोटिंग प्वाइंट होगी ठीक है जो भी होती है it's... नो मैटर ठीक है तो आप देख रहे हैं जीरो आपके पास कोई वैल्यू पर डिवीजन की अब हमारे पास दो चीजें होती हैं एक होती है डिवीजन का रिजल्ट ठीक है अभी आपने देखा ये डिवीजन का रिजल्ट था जो जीरो पॉइंट सिक्स 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 आया ठीक हो गया सिमिलर वे मैं ये कहता हूं कि नहीं ट्वेल्व को डिवाइडेड करो थ्री के साथ तो व्हाट विल बी द आउटपुट डिवीजन रिजल्ट क्या होगा आपके पास फोर होगा ऑब्वियसली ठीक है व्हाट विल बी द रिमाइंडर यू नो अबाउट द रिमाइंडर जीरो जीरो ठीक है जीरो आपके पास लास्ट में बच जाता है जिसको आप रिमाइंडर कहते हैं ठीक है रिमाइंडर ठीक है? है बच जाता है जो पाछी आपके पास बच जाती है फॉर एग्जांपल आई राइट हियर टू ऑफ टू तो आंसर विल बी वन एंड रिमाइंडर विल बी जीरो अगेन आई राइट हियर थ्री डिवीजन टू

तो आपके पास 11. समथिंग आएगा ठीक है ना 11. समथिंग डिवीजन की रिजल्ट होगी और रिमाइंडर क्या होगा आपके पास 1 1 हो जाएगा ठीक है ना क्योंकि 5 जो है 55 को डिविजिबल कर लेगा ठीक है आराम से हो जाएगा 11 टाइम तो बाकी जो बच जाता है वो क्या है 1 होता है ठीक है ना जैसे 2 4 पे फुल्ली तौर पे डिविजिबल है तो आपके पास बच जाता है 0 तो 3 ऑफ 2 पे क्या है 1 का रिफंड है टू तो और टू पे नहीं है कोई तो जीरो है ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे डिवीजन का रिजल्ट जो देता है हमें वो डिवाइड ऑपरेटर ही देता है ठीक है ना जो डिवीजन का रिजल्ट देता है आप जब आपको डिवीजन का रिजल्ट चाहिए तो वो डिवीजन ऑपरेटर के साथ ही मिलेगा जैसे मैथमेटिक्स में मिलता है अब बात रहती है कि रिमाइंडर का कौन रिजल्ट देता है रिमाइंडर का आपको ये परसेंटेज देता है जिसको मॉड्यूलस हम कहते हैं ये ऑपरेटर देता है जिसको मॉड्युलस का रिमाइंडर कहा जाता है ठीक है जी आपको रिमाइंडर चाहिए ये वाली वैल्यूज चाहिए जीरो जीरो प्रोवाइड करेगा रिमाइंडर वन रही बात मेरी समझ आ रही है मैंने कहा कि दो चीजें एक डिवीजन है डिवीजन का रिजल्ट है ठीक है दूसरा आप जब डिवीजन करते हैं तो आपके पास एक रिमाइंडर बचता है आपने प्लाजन मैथमेटिक्स कर चुके होंगे आई नो यू हैव पेंसिल ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल और मैं कहता हूँ मुझे अब अप... ठीक है इस तरह आपने कभी किया होगा जे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्वेंटी टू लिखता हूँ और इसको कहता हूँ थ्री के साथ करना है तो थ्री ट्वेंटी टू पे कितने टाइम लगता है सेवन टाइम लगेगा ठीक हो गया तो ये आपके पास बन जाएगा ट्वेंटी 20... वन ठीक हो गया तो रिमाइंडर आपके पास क्या बच गया One बच गया One. तो ये 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 बेसिकली रिमाइंडर है है और ये आपके पास डिवीजन रिजल्ट है। आपको इंटीजर में चाहिए तो आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें अदरवाइज ये आपको डिवीजन में किसमें देगा ये अगेन डिवीजन चलाएगा ठीक है ना ये देगा डॉट डॉट देने के बाद ये बनाएगा इसको जीरो ऐसे ही करते हैं मैथमेटिक्स में ठीक है वहां पे डेसिमल आ गया आपके पास यहाँ पे टेन थ्री बन जाता है पर थ्री को अगेन करेगा तो यहां पे नो हो जाएगा लास्ट में ठीक है अगेन आपके पास यहां पे वन बचेगा और यहां पे आपके पास ऊपर क्या हो जाएगा थ्री तो ये इस तरह थ्री 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 चलता रहेगा ऐसे ही है तो ये बेसिकली डिवीजन रिजल्ट है जो आपको डिवीजन ऑपरेटर देगा ये वाला रिजल्ट जो है रिमाइंडर है ये आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर देगा जो जिसको आप परसेंटेज के नाम से जानते हैं क्लियर हो गई बात जी

ट्वेंटी टू ही ले लेते हैं ठीक है ना जो अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है इसको थ्री के साथ करते हैं ठीक है तो मैंने कहा प्रिंट